समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको फ्रेम में दिख रही होगी RC 390 और यामाहा की R3 जो कि 320cc है। अपनी RC जो है वो 390 है। तो इनका करने वाले हैं आज हम लोग ड्रैग और टॉप एंड तो होगा ही होगा, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। फिलहाल के लिए चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं बाइक पे, बाकी मिलते हैं बाद में। कौन सी बाइक इनिशियल में फास्ट है, कौन सी बाइक टॉप एंड में ज़्यादा फास्ट है, वैसे आप लोग को क्या लगता है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और लुक्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो R3 कुछ इस तरह की और यमहा और KTM RC कुछ इस तरह की और उसी जगह KTM RC 390 कुछ ऐसी दिख रही है। बाकी फ्रंट के लुक्स कुछ ऐसे हैं। R3 के कुछ ज़्यादा शार्पर लुक्स हैं लेकिन RC के एरोडायनेमिक्स के मदद बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर पीछे से देखें तो पीछे से RC 390 कुछ ज़्यादा सेक्सी लग रही है मुझे देखने में। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल को। हम लोग चलाएंगे सबसे पहले RC 390। चले हम देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस बैटल को। वैसे R3 कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है, तो क्या पता हॉर्न की आवाज़ इनको ना सुनाई दे, हम लोग को मौका मिल जाए थोड़ा सा आगे निकलने का। राइडर स्विच। अरे यार अभी हुआ है, पता नहीं कब हुआ। राइडर स्विच कर ले। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जब तक RC में लिमिटर नहीं आता तब तक वो R3 को बहुत अच्छे से कॉम्पीट करती है, लेकिन लिमिटर आने के बाद R3 पीछे रह जाती है। तो कुछ ये थे रिजल्ट्स। वैसे आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो पसंद आ रही है तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल पर नहीं हो तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और छोड़िए एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए अब करते हैं राइडर स्विच। हम लोग चलाएंगे यमहा R3 और हसनैन भाई चलाएंगे RC 390। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है और आप लोग भी वीडियो का मज़ा लेते रहिए। नहीं आएगी उसकी आप टेंशन ना लीजिए। Hey, bhai.
आपने सेकंड हॉर्न पे ही भगा दिया। तो गाइस जैसा आपने देखा कि फर्स्ट बैटल में भाई अपने R3 थी और भाई दूसरे में भाई ने जल्दी लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से R3 390 ने गैप मेंटेन कर लिया और R3 को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भाई टोल आ गया, रोडी ख़त्म हो गई। तो जैसा आपने देखा कि भाई हर तरह से कैपेबल नहीं है R3 390 जो कि R3 से जीतने में, क्योंकि RC भाई इनिशियल में ठीक है, लेकिन लिमिटर 174 पे जब आता है भाई दिल दर्द कर जाता है कि 390 ओके भाई वो लिमिटर आता है, लेकिन R3 भाई अपने सेगमेंट में लेजेंड एक गाड़ी है। तो कमेंट करके बताना कि आपको रेस कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।